ये देखो तैयार हो गई हमारी इतनी। अब इसको हमने आज जा रही है आसमा बुली भी। अरे इनका व्लॉग तो आप खूब देखते रहते हैं क्योंकि गीत गायक भी खूब है। चलते हैं इनके साथ साथ धीरे धीरे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? सब लोग बढ़िया ही होंगे आशा और उम्मीद करता हूँ बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से। तो मेरे साथियों, आज मैं प्रॉपर ही गांव में हूँ और देखो मेरे पीछे माल्टे भी पक चुके हैं, जो ठीक ठीक पेड़ हैं जिनके ना माल्टों के, तो वो काफ़ी पीले पीले टाइप के हो रखे हैं और कुछ इनमें से ख़राब भी हो चुके हैं पेड़ जो माल्टों के। तो मैं दिखाता हूँ और यहाँ से जो गाँव का रुक दिख रहा है, गांव का जो नज़ारा दिख रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। साथियों देखिए आप, ये वाला जो पेड़ है ना अभी नया है, बढ़िया। देखो इसमें कोई भी टहनियाँ सूखी नहीं है और माल्टे भी बहुत ही बढ़िया गजब के हैं। और ये दोनों पेड़ तो यहाँ पे ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पे बीच पे रास्ता जा रहा है हमारे एक तोक मकोड़ा। और अब मैं एक और पेड़ आपको नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये गाँव है हमारा गोंडार। और ये देख रहे हैं आप, नदी है नीचे। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। और जो कुछ ये माल्टे हैं ना, इनके पेड़ जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं। देखिए ये, इनमें माल्टे भी अच्छे नहीं हैं और ये सूखने लग गए हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन माल्टों की ख़राब हो गया। और इससे आगे देखिए, ये गाँव है गोंडार तो हमारा गाँव, और यहाँ से सीधा बाबा मध्यमेश्वर जी की ये तपस्थली भूमि है और चरण तले ये गांव है हमारा। तो आजकल देखो बर्फ़ तो गिर नहीं रही इस साल, और कुछ दिन पहले थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था वो आपने देखा होगा। तो फिर भी मौसम आजकल क्लियर हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे सरसों की ये जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और ये देखिए लोगों ने यहाँ कुछ खेत ये खलिहान खाने थे जिसमें कि बोया होगा कुछ, तो कुछ नहीं आया इसमें जम के। देखो और साग सब्जियां भी कुछ खास नहीं हैं आजकल। देखिए खेत खाली खाली पड़े हुए हैं गांव में, सिर्फ ये जो घरिया होता है ना और इसके अतिरिक्त तो जो गेहूं होते हैं तो वो तो जम जाते हैं। पता नहीं क्या इनके लिए हो सकता है, उतना ज़्यादा जो मौसम का वो होता है ना असर नहीं पड़ता होगा और ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए होती होगी, तो ये केवल यही हुआ है और बाकी कुछ भी खेतों में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए और गांव ऐसा दिख रहा है मेरे दोस्तों, मेरा गांव जो है गोंडार। और देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, देखो बूढ़े लोग बैठे हैं चूल्हे पे, और ये रामदाने की जो खील होते हैं ना, जो हमारे यहाँ चौलाई होती है पहाड़ों में, तो ये भूजी जा रही है ऐसे, और इसको आज भून रहे हैं हम, इसलिए कि ये नाग देवताओं के लिए प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये है चौलाई, देखिए तो अभी कितने छोटे दाने हैं ना ये देखो। इसके बाद जब इसको हम चूल्हे पे डालते हैं, ये बर्तन होता है, इसको क्या कहते हैं, बाटी का, बोल बाटी, बाटी ना। अच्छा तो इसमें इसको भुना जाता है देखो। और ये काट का जो ये लकड़ी का है ना, इसे आगे से ये लगा रखा है कपड़े का बुनना, ये तो ऐसे भूनते हैं लोग, फिर ये खील ऐसे बन जाते हैं देखो। तो ये भूनने के बाद बड़े हो जाते हैं, ये पूरे सफेद, देखो मुलायम है बर्फ की तरह सफेद हो गया, तो काफी टेस्टी ये होता है। और जब दूसरा दिन शुरू हो चुका है, तो हेलो जी नमस्कार, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया ही होंगे बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से। और नाग नृत्य भी हमने देख लिया है ढंग से, बिल्कुल बढ़िया, आप लोगों को भी दिखा दिया। फिर निकलते हैं अपने मार्केट की तरफ। हमारा मार्केट तो ऊखीमठी है, तो हम तो मार्केट ही कहेंगे। फिर ये देखो बैग बुक ये सजा दिए हमने जाने के लिए, हमारे बैग तैयार हो रहे हैं। क्या क्या रखे इसमें? ये कलो तो इसमें हमने क्या क्या रखा? रोहित के लिए, मोहित के लिए कुछ लेवर भी रखा, जरा नेपाली को अपने लेवर को भी देंगे। तो फिर निकलते हैं अब फटाफट करके
क्योंकि फिर हमें लेट होगी, गाड़ी चले जाएगी तो गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम हमको होगी, तो इसलिए हम निकल रहे हैं और जल्दी जल्दी। और धूप भी आ चुकी है ऊपर है, और देखो साजी भी एक रोता है। आज तो सासू जी भी फिलहाल यही हैं, अभी हल्दी का काम है ना कुछ खेतों में, जो अभी करके आएंगे ये दोनों लोग, तो हम निकल रहे हैं। तो चलो तैयारी हो गई, निकलते हैं। हल्दी ये देखो तैयार हो गई हमारी इतनी, अब इसको हमने बॉईल करना है, उसके बाद धूप और माला बनाएंगे। तो कोथिंग में जो आए थे मेहमान सारे निकल रहे हैं फटाफट, सो बाय बाय। कट्टे में भी देखो पूरी हल्दी, तो बहुत सारी हल्दी हुई है मैडम की, ये देखो मुखी माटी ये वहीं रहती है, पर लेकिन हल्दी भी खूब लगाती है। अभी और भी चे और भी है, दो तीन दिन के लिए और भी है अभी खड़ने के लिए ना। चल हमें तो हल्दी की खेती खूब होती है गांव में है ना। फिर इसने लद दिया है मुझे, बस चलते हैं, लग दिया चलो तो निकलते हैं, जाना वहाँ ठीक चुआ। अरे तो विदा ले चलते हैं गांव से, फिर निकल रहे हैं बाजार की तरफ, तो निकल ही जाते हैं कुछ दिनों के लिए, बाय बाय गांव के लिए। अरे यहाँ पे हमारे फिर भैरवनाथ जी, तो जय हो बाबा। लो ना लोड़ क्या अम्मा, वहाँ देखो एक नी, तो क्या कर रही वहाँ, सब्जी की ले गई। हाँ चलते हैं। तो गांव में आजकल कुछ देखो ये न्यार घास कुछ इस प्रकार से लोगों ने लगा रखा है इन कोनगों में, और ये पूरे घास के ये बना रखे हैं, ये देखो ऐसे पूरे ढक के रखते हैं, तो फिर बारिश भी लगेगी तो बच जाएगा। फिर आगे भी देखो वहाँ जंगल में भी लगा रखा है ये घास, ये देखो। तो मेहमान जा रहे हैं फटाफट करके घर, एक ही मेहमान भेज देता है, सब भेज ले बात चलो है। देखे तो कोई नहीं भाई, कुछ अकेले जा रहे हैं कुछ को खेलने जा रहे हैं, देखो इसका ये छोटा बच्चा भी लगा रखा है रास्ते तेन दिया खिल को थी है जान बैठी को रे। चलो जो भी आज रास्ते पे दिखेंगे हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो ऐसे ही लोग घर जा रहे हैं, घर में भी एक लार्स अकेले अकेले परिवार होते हैं ना, तो ज़्यादा दिन तक कौन रहता आजकल, तो ऐसे ही आए दर्शन कर दिए फिर निकल रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं कुछ लोग। तो जाने में देखो आज जा रही आसमा गुल्ली भी, अरे इनका ब्लॉग तो आप खूब देखते रहते हैं क्योंकि गीत गायक भी खूब है, जा रहे हैं माइक से, वापस ससुराल, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत ज्यादा बेकार। आपकी आप हमेशा वीडियो बनाते रहे ना, आपकी वीडियो में हम अपना माइक देखते रहेंगे। अच्छा अच्छा देखो इसको भेजने जा रहे हैं इतने लोग चैनल के माध्यम से, ये केदारनाथ ब्लॉगर है, आसमा चैनल का नाम है केदारनाथ ब्लॉगर। हाँ और भी दिखाते हैं हम रास्ते में, बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना आगे आगे। तो देखो ये हमारी भुली लोग कितने जल्दी जल्दी रास्ते लग गए, इन्होंने जाना है दूर, इसमें एक भुली जाएगी त्रियोगी नारायण, ये ना जाए जानवर, और ये भुली देखो क्या ले जा रही है, इसमें क्या ले आने बिना। तो देखो भाई मैं से इनको झाड़ू झूड़ू भी मिले हैं, कांसी जी ने दिए होंगे, तो माँ भी इतना अभी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है कि भाई घर ऐसा चलाओ, देखो झाड़ू तो इतना खर्चा तुम्हारा बुझा दिया कांसी ने, नहीं झाड़ू का। और भी जाए अवड़ी, अभी सुबह का टाइम हो गया है लगभग लगभग 8 बज गया है, पुणे 9 हुए गए, पुणे 9 हो चुका है वैसे, पर देखो अभी लग रहा है कि बहुत जल्दी जा रहे हैं, अभी ठंड भी बहुत हो रही है, और ऐसे ही जल्दी जल्दी गाड़ियों की वजह से निकलना पड़ता है हम लोगों को, और 4.5 किलोमीटर का जो ये सफ़र होता है हमारा बहुत ही मुश्किल, पीठ में इतना इतना बोझ ले जाना बहुत मुश्किल होती है।
पलग ली, थकान हो गई नहीं इतने सामान के बाद। देखो भाई बच्चे भी लगा रखे मैंने रास्ते में मुझे उधर। तो दोस्तों फाइनली हम हमेशा की तरह झुंसी के घेरे पहुंच गए, लेकिन आज कुछ जरा हट के है। जिन बहन लोगों के साथ नजरें हमारी इनके साथ चल रही है, मौसी की तरफ है, और इसको आप तो जानते ही हैं उससे ही ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट के जरिए। दिल्ली है, इसका है केदारनाथ ब्लॉग, और आप इसके चैनल पर चले जाए तो गीत आपको मधुर मधुर गीत, पुराने पुराने गीत आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। और हम अब थोड़ा इस झरने का अवलोकन करते हैं इनके साथ, और इन्हीं के साथ हल्के हल्के कदमों से आज जा रहे हैं, क्योंकि इनका दुख दर्द भी हमको भी देखना पड़ता है अपनी खियाणी का। तो इनके पास कुछ सामान है, इनके जो भेजने वाले हैं कुछ पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे ऐसे हैं, तो इनके साथ बहुत देखो फिर भी इतना बड़ा सामान। क्योंकि तो माता लोगों का बहुत दर्द होता है वेटिंग के ऊपर, वो गुल्ली को देखो कितना सामान दे दिया, झाड़ू झाड़ू इसको भी दे दिया, ये बैग देखो बहुत सारा सामान। फिर वो आ रहे हैं इनके भेजने वाले पीछे छोटे छोटे। फाइनली निकलते हैं इनके साथ साथ धीरे धीरे। तो चढ़ाई का सफर है, होले होले निकल रहे हैं आगे, लिंगड़ा की चढ़ाई क्रॉस करेंगे अब हम, इसके बाद फिर गाड़ी में बैठते हैं आगे जा करके। तो चलो वीडियो यहीं तक रखते हैं इस वाली वीडियो को, और वीडियो एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।